उन्नाव में उत्तर प्रदेश अनुदेशक संघ ने ज्ञापन देकर सरकार से बढ़ा हुआ मानदेय देने की अपील की है। दरअसल जूनियर स्कूलों में कार्यरत अनुदेशक 2013 से 7000 के मानदेय में कार्य कर रहे हैं, जबकि 2016 में केंद्र सरकार की अप्रूवल बैठक में इन्हें 17000 रुपए मानदेय पास हुआ था। वहीं 2019 में सुप्रीम कोर्ट से भी इसके लिए ऑर्डर जारी हो चुका है, बावजूद इसके यूपी सरकार ने इसे अभी तक जारी नहीं किया है। अनुदेशक शिक्षक संघ के अध्यक्ष शशांक मिश्रा ने कहा कि सरकार बढ़ा हुआ मानदेय देने के अलावा अनुदेशकों को एक निश्चित मानदेय देना सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो लखनऊ में विधानसभा पर अनशन कर धरना देंगे। अगर हम लोग की सरकार अनुदेशक शिक्षकों की जो हम लोग की वर्तमान सरकार अल्प मानदेय में हम लोग को 7000 रुपये में कार्य कर रही है, ये जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में हम लोग को 1 रुपये का मानदेय नहीं दिया जाता है, जबकि प्रदेश में इस समय इतनी कोविड महामारी फैली हुई है उसके बावजूद भी हमारे अनुदेशक शिक्षक कोविड कंट्रोल रूम में कार्य कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम लोग लगातार विभाग के साथ एकदम हम लोग तन्मयता से एकदम निष्ठापूर्वक हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग की मांगों को जो विभाग नई शिक्षा नीति एक जारी होने जा रही है उस नई शिक्षा नीति में अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो किसी को भी मानदेय देने का प्रावधान नहीं है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग को मानदेय देने का प्रावधान नहीं है तो हम लोग कम से कम अगर कोई वेतनमान अगर देने की सरकार की योजना है तो कम से कम नियमित एक मानदेय दिया जाए, जो कि चाहे वो बिहार मॉडल हो चाहे छत्तीसगढ़ मॉडल हो और चाहे उत्तराखंड मॉडल हो, कम से कम वो मॉडल हम लोग को प्रयोग किया जाए। अगर हम लोग की मांगें नहीं पूरी होंगी तो हम लोग जुलाई से पूर्ण रूप से समस्त संविदा कर्मचारियों के साथ और जो हमारे अनुदेशक शिक्षा में सभी भाई बहनों के साथ में हम लोग लखनऊ कूच करेंगे। लखनऊ में हम लोग विधानसभा पे अनशन पे बैठेंगे, चाहे उसके लिए फिर हम लोग के लिए चाहे पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा लगा रखा हो और चाहे जिस तरह की भी लगा रखी हो, जब हम लोग का घर परिवार ही नहीं जीवन जीविकोपार्जन नहीं हो पाएगा तो हम लोग कैसे अपने घर परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे, जिस कारण हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं इतना माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री से बार बार मैं अपील कर रहा हूँ, बार बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोग की समस्याओं को सुना जाए और हम लोग की मांगों को पूरी की जाए, और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोग की समस्याओं को जो बार बार उठा रहे हैं, मैं आप लोग का तत्पर में बार बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से बार बार अपील कर रहा हूँ कि जो 3 अप्रैल 2016 को जो वादा किया, जो बार बार आपने सरकार बनने के बाद वादा किया, जो आपने महा उपचुनाव हुए उसमें रैलियों में जो वादा किया आपने, उन सब वादों पूरा करिए, कम से कम अनुदेशकों को न्यूनतम मानदेय दिया जाए जिससे उनके घर परिवार पालन पोषण हो सके।